दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा कि भारत लगातार मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है, पर क्यों? सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक टकाटक। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों में ना भारत ने बहुत सारे मिसाइल को टेस्ट किया है। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ओवरऑल अपने पूरे डिफेंस को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, तभी तो आप देखते हो ना, कभी INS विक्रांत आता है तो कभी प्रचंड हेलीकॉप्टर आते हैं, कभी तेजस आते हैं, तो लगातार कुछ ना कुछ हमारे डिफेंस में ऐड होते जा रहा है। अब आज के इस वीडियो में ना मेनली हम लोग इंडिया में जो लगातार मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं उन पे बात करेंगे और ये समझेंगे कि क्यों ये मिसाइल टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। बेटा वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, अब ना मैं आपको यहाँ पे पिछले 15-20 दिन का ही हाल बताता हूँ। तो देखिए, भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया, फिर हमने INS अरिहंत से भी बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया और अभी पिछले हफ्ते ही हमने AD-1 मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया है। अब भारत 10 या 11 नवंबर को भी एक मिसाइल टेस्ट करने वाला है और ये टेस्ट ना बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले रीजन में ही होने वाला है। अब आप देखोगे तो इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। भारत सरकार ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 10 और 11 नवंबर को बे ऑफ बंगाल का एक पर्टिकुलर रीजन नो फ्लाइंग जोन होगा। नो फ्लाइंग जोन यानी कि उस टाइम पे उस रीजन के ऊपर से कोई भी प्लेन वगैरह उड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए, अब बताया ये जा रहा है कि भारत यहाँ पर एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K-4 टेस्ट कर सकता है या फिर अग्नि सीरीज की किसी एक मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। अब ये जो K-4 मिसाइल की बात हो रही है, इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो बताई जा रही है 4000 किलोमीटर के आसपास। अब देखिए, ये जो मिसाइल टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये इसलिए जरूरी होते हैं जिससे कि एक डिटरेंस क्रिएट किया जा सके। अब आपने भी बहुत बार सुना होगा, डिफेंस एक्सपर्ट भी कहते रहते हैं कि यार भारत आज की डेट में ना अपना सबसे बड़ा थ्रेड चाइना को मानता है और भारत आज की डेट में जो भी तैयारियां कर रहा है वो चाइना को ध्यान में रख के करता है। हम टू फ्रंट वॉर की भी बातें सुनते हैं कि कल को अगर हमारी चाइना के साथ वॉर हो जाती है तो बहुत चांस है कि पाकिस्तान भी चाइना की तरफ से आ सकता है। अब इसके साथ ही आप देखोगे तो चाइना हमेशा एग्रेशन दिखाता रहता है, कभी लद्दाख के रीजन में, फिर कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी इंडो पैसिफिक रीजन में, मतलब हमेशा चाइना कुछ ना कुछ खुरापत करता रहता है। तो देखिए, इस तरह के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे हथियार होने चाहिए जिससे कि सामने वाला डर सके, उसको भी लगना चाहिए कि यार इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बैलिस्टिक मिसाइल है, कुछ भी चुलचाल किया हमने तो ये भी घुस के मारेंगे, उनको भी ऐसा लगना चाहिए। अब अगर ऐसा ही डर चाइना के अंदर रहेगा तभी हम उसके एग्रेशन को काउंटर कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो डिटेरेंस वगैरह है ना, इसको बनाने के लिए ये टेस्ट वगैरह जरूरी होते हैं जिससे कि चाइना कुछ भी करने के पहले 100 बार सोचे। और हाँ, पावर बैलेंस भी मेंटेन करना जरूरी होता है। अब अगर आपका पड़ोसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो क्या होगा, वो सबको आँख दिखाते हुए घूमेगा, सब लोग डरेंगे, सबको दबाएगा वो, इसलिए ना पावर बैलेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आपको पूरे एशिया के रीजन में एक शांति चाहिए, आप चाहते हो कि शांति बनी रहे, तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो भारत का पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।